नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज छागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज मैं बेहतरीन सब मॉडल आपके लिए लेकर आए हैं जो कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में बना है, जिसमें आपको एक आगे पोर्च देखने को मिलता है, इसके बाद फील्ड देखने को मिलती है, इसके जस्ट पीछे आपको मकान देखने को मिलता है जिसमें आप रहने की उचित व्यवस्था की गई है। यह मॉडल दोस्तों हमारे एक जानने वाले हैं, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। हालांकि उनकी पहले से ही ग्राउंड फ्लोर बना है, उन्हें फर्स्ट फ्लोर की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्हीं के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा इस मॉडल को मैंने क्रिएट करके आप लोगों के सामने दिया है। मॉडल के अगर हम साइज की बात करें तो इसका जो फ्रंट है लगभग 40 फीट है, 40 फीट, और जो मकान जिसमें बना है वो 35 में बना है। बाद बाकी ग्राउंड अलग एरिया है और पोर्च भी अलग एरिया है। टोटल मकान की बात करें तो लगभग 40x70 से 80 फीट है अप्रॉक्स ये मॉडल बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मॉडल होगा, तो चलिए पूरे डिजाइन को हम डिस्क्राइब कर देते हैं आप लोगों के लिए। और आपसे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के घर के नक्शे बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पर भी हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उस पर कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके मैं आपको 2D प्लस 3D प्लस फ्रंट एलिवेशन प्लस वीडियो वगैरह सब कुछ बनाकर देता हूँ, वो भी बहुत ही कम दामों में। तो आज का जो मॉडल है उसे डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्टली चलता हूं मैं स्क्रीन पर। दोस्तों जिस मैं मॉडल की बात कर रहा था, ये पूरा मॉडल है और आज हम इसी को डिफाइन करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत मॉडल होने वाला है। अगर आप टॉप से देखेंगे ऊपर से तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और इस मॉडल को क्रिएट करने में काफ़ी समय लगा है, क्योंकि इसका पोर्च वगैरह जो है ना, गुमटी आपको जो आगे दिख रही है, ये काफ़ी यूनिक है और बेहतरीन सी है। तो यही पूरा आज हम डिज़ाइन आपके सामने डिफाइन करने वाले हैं। ओवरऑल ये मॉडल कैसा बना है ये सारा दिखाने वाले हैं। तो अगर हम फ्रंट की बात करें तो ये इसका फ्रंट है, सामने से आपको मकान ऐसा दिखेगा जिसपे कि आपका पोर्च वगैरह बना हुआ है। ये आपकी रेलिंग है जो यहाँ पर बनी हुई है, कुछ मैंने डेकोरेशन के लिए यहाँ पर ग्रास वगैरह लगा रखी है। तो यहाँ से आपको पोर्च से एंट्री होती है और ये पूरा टॉप ऊपर से जब देखेंगे तो ऐसा, ये देखिए आपको पूरा ग्राउंड जिसकी मैं बात कर रहा था, आगे आपका पूरा ग्राउंड है, यहाँ पर पेड़ पौधे आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। तो और थ्री साइड क्लोज्ड है दोस्तों, तीनों तरफ से बंद है, सिर्फ फ्रंट से ही ओपन है मकान। तो इसी को आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले हम इसे जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे कि जूम करने पर यह मॉडल आपको कैसा दिखता है। देखिएगा, अभी हो सकता है आपको फुल ना दिख पा रहा हो, बट जब मैं अभी ग्राउंड फ्लोर इसका दिखाऊंगा तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं चलिए ग्राउंड फ्लोर आपके लिए दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है। अब ग्राउंड फ्लोर पर देखिए ये गुमटी बनी हुई है ना, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चार पिलर हैं, उसी पर एक गुमटी है और यहाँ पर जो गाँव में खपरेल होता है उसका डिजाइन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं गुमटी में। इसके बाद आगे आपका ये कलर थोड़ा सा मैंने मोल्ड वगैरह लगा रखा है, वेलकम का सिंबल है। और इसके बाद ये एरिया है ग्रीनरी के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। इसके बाद ये स्टेयर्स हैं जहाँ से पोर्च में जाएंगे। और इसके बाद ये इसका मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे। इस मेन डोर से ही आपके घर की एंट्री होती है। जैसे मेन डोर से आप एंट्री करते हैं, देखिएगा आप पहुँच जाते हैं ग्राउंड में। ग्राउंड के बाद दोस्तों ये आपको मिल जाता पूरा बारंदा। टॉप से ही मैं आपको दिखा देता हूँ ये पूरा बारंदा। और इधर आपकी स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के लिए देखिए आप इधर से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, साइड से टर्न होकर बाहर की तरफ आएंगे तो ये स्टेयर्स हैं। बारंदा आपका चार पिलर पर दोस्तों टिका हुआ है, देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम अंदर की बात करें, ये दोस्तों यहाँ पर बीच में एक गैलरी है और दोनों तरफ बेडरूम है। एक बेडरूम का साइज छोटा है और एक बेडरूम का बड़ा साइज है, देख सकते हैं। अब आपको टॉप यहाँ पर बेड सोफा वगैरह बड़े सब कुछ लगा रखा। वहीं बात करें इसकी तो इधर भी देख सकते हैं आप, इन सभी के लिए अलग अलग डोर और विंडो दिए हैं। हालांकि हो सकता है आपका ये डोर गैलरी से दिया गया हो, बट आप मैंने फ्रंट से ही दिया है। ये मेन डोर ये गैलरी है। आप सोच रहे होंगे गैलरी किस लिए दिया है, तो जिनका ये मकान है उनका पीछे भी मकान बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पर मैंने गैलरी दे दी है ना। तो नीचे ना तो कोई लेट बाथ है, मतलब कि किचन वगैरह नहीं है लेट बाथ, हालांकि शायद उनका बाहर बना हुआ है। तो अब मैंने लेट बाथ किचन सब कुछ ऊपर क्रिएट किया है, वो भी हम डिफाइन करते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचेंगे तो देख सकते हैं स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो ये जो बारंदा नीचे था वही बारंदा फिर ऊपर है। और ऊपर बारंदा लगभग आपका 2.5 फीट एक्स्ट्रा ही हो गया है, क्योंकि ये बालकनी को मैंने बाहर निकाला है। ग्रिल वगैरह देख सकते हैं कितनी बेहतरीन से लगी हुई है।
और अब सेम टू सेम है, बस ऊपर चेंजमेंट क्या किया गया है, जो साइड वाला छोटा बेडरूम था उस बेडरूम में को एक पार्टीशन दे दिया है। इस पार्टीशन में एक किचन है, गैलरी की तरफ किचन है, ये लेट बाथ बना दिया है। लेट बाथ को आप एक्सेस कर पाएंगे अपने बारंदे से और किचन को गैलरी से, और यहाँ पर किचन में मैंने विंडो दिया वेंटिलेशन के लिए। आप दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता आपकी रिक्वायरमेंट पर। इसके बाद बात करें तो इधर वाला बेडरूम सिमिलर है, वहीं पर आपका देख सकते हैं सोफ़ा बेड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है, और ये पूरा बारंदा। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन सा डिज़ाइन यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर बनकर रेडी हुआ है। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो जैसे आप लास्ट फ्लोर पर पहुँचेंगे तो 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ दिया है, और फ्रंट से ही ग्रिल आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ये पूरी ग्रिल। और स्टेयर्स को ढकने के लिए यहाँ पर मैंने गुमटी वगैरह बना रखी है, ये देखिएगा यहाँ पर डोर है, डोर से आप छत पर आ जाएंगे। तो ये ओवरऑल मॉडल जो मैं यहाँ डिफाइन कर रहा था 40x35 में, ये पूरा बना। यहाँ पर गुमटी वगैरह दोस्तों सब कुछ बनाकर मैंने दी है। मॉडल आपको कैसा लगा जरूर बताएं। तो दोस्तों आज का मॉडल आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको हमारे चैनल पर जो मॉडल्स दिए जाते हैं वो कैसे लगते हैं, अपना सुझाव हमें ज़रूर अवश्य भेजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी सुझाव भेज सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है उस पर भी भेज सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपने घर का डिज़ाइन हमसे करवाना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा बहुत ही कम दामों में 2D+3D बनाकर देता हूँ। इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।